हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माउंटेनियर। मैं हूँ आपका फ्रेंड धवल। गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ गिरनार माउंटेन, जो कि गुजरात का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और यहाँ पे जस्ट रिसेंटली रोप वे स्टार्ट हुआ है, तो अभी आज हम रोप वे की यहाँ पे सफ़र करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। कुछ ही दिन पहले मैंने बोरदेवी का वीडियो बनाया था, और जो गिरनार की सीढ़ियों के पास से स्टार्ट होता है, और गिरनार की जो सीढ़ी है वो यहाँ के ये जस्ट मंदिर के पीछे से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको बोरदेवी का वीडियो देखना है तो आई बटन पे मैं लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ से बोरदेवी का वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं गिरनार माउंट के अलावा यहाँ पे भवनाथ तड़ेटी में जो भी देखने लायक जगह है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। जैसे ही रोपवे के रिसेप्शन में हम दाखिल होते हैं कि उड़न खटोला का ये खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट हमें दिखाई देता है। यहाँ पर लोग सेल्फियाँ लेकर गिरनार रोपवे के साथ अपना सफ़र यादगार बनाते हैं। गिरनार रोपवे का संचालन देश की एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, और इसी कंपनी ने रोपवे को उड़न खटोला नाम दिया है। सेल्फी पॉइंट से रोपवे की ओर बढ़ते ही ये बड़ा सा वेटिंग लॉन्ज हमारा इंतज़ार करता है। यहाँ पर करीब 100 से 150 लोग आराम से बैठ सकते हैं। रोपवे की टिकट चार्जेस की अगर हम बात करें तो फिलहाल 700 रुपये टू वे फेयर रखा गया है, और वन वे फेयर आने या जाने के लिए 400 रुपये रखे गए हैं। 130 करोड़ रुपए की लागत से बना गिरनार रोपवे दुनिया का सबसे आधुनिक तकनीकी वाला रोपवे है, और इतना ही नहीं, ये दुनिया का सबसे लंबा टेम्पल रोपवे भी है। ऑस्ट्रिया के इंजीनियरों की निगरानी में इसका काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। सालों से जूनागढ़ समेत कई लोगों ने गिरनार रोपवे का सपना देखा था, लेकिन गिर सेंचुरी और गिरनार में बसते गिद्धों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारी समस्याएँ भी खड़ी हुई थी। सालों तक एनवायरनमेंट सर्वे और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मुलाकातों के बाद साल 2020 में गिरनार रोपवे ने माता अम्बा के चरण छुए हैं। दोस्तों, गिरनार रोपवे का सफ़र बहुत ही रोमांचक है। गिरनार रोपवे में लोअर स्टेशन और अपर स्टेशन को मिलाकर कुल 9 टावर बनाए गए हैं, जिसमें से 5वां टावर सबसे अधिक ऊँचा है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। रोपवे में बैठे बैठे आप दातार पर्वत, भवनाथ तड़ेटी, जूनागढ़ शहर और चारों ओर फैले गिर जंगल का लुफ्त उठा सकते हैं। रोपवे के सफर में जो सबसे खूबसूरत जगह देखने को मिलती है वो है ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल्स। अंबाजी शिखर से महज 1000 सीढ़ी नीचे उतरते ही ये मंदिर आते हैं। सोलंकी काल की अद्भुत कला कारीगरी इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती है। फाइनली हम पहुंच गए अंबाजी मंदिर, और आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का अपर रोपवे स्टेशन। यहां से हम गिरनार के बहुत से शिखरों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते ही आता है अंबाजी मंदिर का खूबसूरत सा परिसर। दोस्तों, मंदिर का परिसर बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि पहाड़ पर होने की वजह से यहाँ बहुत मुश्किल से इतनी फ्लैट जगह मिलती है, और मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 700 लोग ही एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि गिरनार रोपवे एक घंटे में 1000 लोगों को अंबाजी मंदिर तक पहुंचा सकता है, लेकिन आज यहां ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, क्योंकि मैं वर्किंग डे में यहां पर आया हूं। लेकिन हर महीने की पूर्णिमा को यहां पर बहुत से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। गिरनार माउंटेन का अंबाजी शिखर लगभग 900 मीटर ऊंचा है। हालांकि गिरनार माउंटेन में जितने भी शिखर हैं उन सब की कन्फर्म ऊंचाई अभी तक तय नहीं हो पाई है, और इसीलिए गिरनार के शिखरों की ऊंचाई के बारे में इंटरनेट और किताबों में हमें अलग अलग जानकारी देखने को मिल जाती है। अंबाजी मंदिर के इतिहास में झाँक कर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंदिर गुप्त काल में बना हुआ है। इसका वर्णन हमें कई पुरातत्वविदों की और ब्रिटिशरों की किताबों में भी मिलता है। इतिहासविद मानते हैं कि समय समय पर इस मंदिर में काफ़ी बदलाव भी हुआ था। वर्तमान समय का मंदिर नए जैसा प्रतीत होता है। इतिहासविदों ने अंबाजी मंदिर के साथ भगवान शिव पार्वती और भगवान विष्णु के वामन अवतार जैसी कई सारी घटनाओं को जोड़ा हुआ है। अंबाजी शिखर से गुजरात का सबसे ऊंचा गोरखनाथ शिखर भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। गोरखनाथ शिखर की ऊंचाई लगभग 1200 मीटर होगी।
गोरखनाथ से दत्तात्रेय और महाकाली शिखर भी दिखाई पड़ते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से हमें अंबाजी मंदिर का एरियल व्यू भी बहुत अच्छे से दिखाई देता है। मॉनसून में गिरनार के ये शिखरों का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है और ऐसा लगता है कि जैसे घने बादल इन शिखरों से बातें करते हो। दोस्तों, गिरनार विजिट करने के लिए जून से फरवरी महीने का समय बहुत ही अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि गिरनार माउंटेन लावा के जामने के बाद काले पत्थरों में तब्दील हो गया था। गोरखनाथ से थोड़ा सा नीचे जाते ही आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो बड़ा सा शिखर है जिस पर छोटा सा हट दिखाई देता है, वो है गुरु दत्तात्रेय शिखर, और ठीक इसके बगल में राइट साइड में है महाकाली शिखर। दोस्तों, ये दोनों शिखर के बीच में और दो छोटे से शिखर आते हैं जिसका नाम अनसुया और रेणुका। गोरखनाथ से ये दोनों शिखर नहीं दिखाई देते, लेकिन गिरनार के सभी शिखर बोरदेवी मंदिर से बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। दत्तात्रेय शिखर के ठीक नीचे आप व्हाइट कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, वो है कमंडल कुंड, और ये कमंडल कुंड ट्रस्ट गुरु दत्तात्रेय शिखर की देखभाल करता है। गोरखनाथ से सिर्फ दत्तात्रेय शिखर तक ही सीढ़ियाँ जाती है, अनसुया रेणुका और महाकाली शिखर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर कभी कभार सिर्फ कुछ साधु संत ही पूजा करने जाते हैं। फाइनली दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो रोपवे में बैठ के मैं अभी गिरनार पहुँचा हूँ। काफ़ी सालों से सपना रहा था कि रोपवे स्टार्ट होने के बाद मैं रोपवे में बैठ के गिरनार जाऊँ और गिरनार का एक अलग ही नज़ारा देखूँ, और आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई। अभी जस्ट मैं अंबाजी से रिटर्न भी हो चुका हूँ और मेरे पास रिटर्न की टिकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन सीढ़ियों से नीचे जाने का मज़ा भी कुछ और होता है। और आप जो लोग ने गिरनार कभी विजिट नहीं किया वो लोग भी डेफिनेटली रोपवे से ऊपर जाए और बाद में सीढ़ियों से नीचे आए, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो अभी जस्ट मैं यहाँ जैन टेंपल के पास पहुँचा हूँ। आप जस्ट मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि ये जो जैन टेंपल है वो काफ़ी सालों पुराना है, और ये भगवान नेमिनाथ का जैन टेंपल है जो 4000 सीढ़ियों के बाद आता है। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ काफ़ी खूबसूरत जगह है, और ना कोई ट्रैफिक है ना कोई लोग है, बहुत ही पीसफुल फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे बैठ के मैं आपको थोड़े से कुछ गिरनार रोपवे के बारे में और यहाँ के जो सीढ़ियाँ है उसके बारे में बताऊँगा। अब जिस मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये गिरनार रोपवे की कैबिन अप डाउन भी हो रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम गिरनार रोपवे के बारे में। तो ये गिरनार रोपवे 1983 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब इसकी बात रखी गई थी कि एक रोपवे होना चाहिए। और उसके बाद साल 2007 में उस समय के गुजरात के मुख्य प्रधान नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी, और हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गिरनार रोपवे का इनॉग्रेशन किया है। दोस्तों, इसी टाइम काफ़ी मीडिया में आपने देखा होगा कि ये गिरनार का दुनिया का सबसे लंबा रोपवे है, किसी ने बोला एशिया का सबसे लंबा रोपवे है, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये एशिया का या दुनिया का सबसे लंबा रोपवे नहीं है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे वियतनाम में, और भारत का सबसे लंबा रोपवे ओली और जोशीमठ के बीच में। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि ये गिरनार रोपवे दुनिया का सबसे लंबा टेंपल रोपवे है। जी हाँ, मैंने यहाँ पे टेंपल मेंशन किया, और यही बात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने और गुजरात टूरिज्म ने भी मेंशन की है, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, काफ़ी न्यूज़ चैनल वालों ने लिखा था कि अब लोगों को 9999 सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गिरनार रोपवे है वो सिर्फ अंबाजी तक जाता है, और अंबाजी 5000 सीढ़ियों के बाद आता है, और उसके बाद की 4999 सीढ़ियाँ आपको कंपलसरी चढ़ के ही जाना है। और अंबाजी के बाद गोरखनाथ पीक और दत्तात्रेय पीक भी आता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम बात करते हैं कि गिरनार की सीढ़ियों की हिस्ट्री के बारे में। तो गिरनार की ये जो सीढ़ियाँ हैं आप जस्ट देख सकते हैं, ये काले पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो गिरनार की ये सीढ़ियाँ 1000 साल पहले उस समय के सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल ने बनवाई थी। उसके बाद समय समय के बाद सीढ़ियों टूटने लगी थी, तो 120 साल पहले जूनागढ़ के उस टाइम के नवाब ने ये सीढ़ियों की मरम्मत करवाई थी 1908 में। और आप देख सकते हैं कि ये काले पत्थर की सीढ़ियाँ 120 साल से ऐसे ही खड़ी है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने गिरनार रोपवे के बारे में और गिरनार की सीढ़ियों की हिस्ट्री के बारे में आपको बताई।
फाइनली दोस्तों मैं सीढ़ियों से नीचे आ गया हूँ और भवनाथ तलेटी में। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कहीं जाइएगा मत, अभी भवनाथ तलेटी में जो जो देखने लायक प्लेसेस है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़।